हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसीशुमन रीडिंग बार। आज की वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही बवाल एंड सुपर फुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखो और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। पहले हम फोटो को शेयर कर देंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। ओके, उसके बाद टूल्स फोटो को अच्छे से देख लेना। उसके बाद टूल्स पर आइकन क्लिक कर रहे हैं, डिटेल्स पर आ जाना है। साथ में इनको 38 रखना है, स्ट्रक्चर को भी 8 रख देना है। ओके, डन कर देना। टू नीम एच लिखना है, ब्राइटनेस को 2 या 3 बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा माइनस कर देंगे 28, सेचुरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 7 तक, एम्बलेंस को भी 35 तक इंक्रीज कर देंगे, हाईलाइट्स को भी थोड़ा माइनस कर देंगे 40 तक, शैडोज को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डन कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना कमाल बन चुका है फोटो। उसके बाद टूल्स पर क्लिक करना है, सिलेक्टिव पर क्लिक करना है। आपके चेहरे पर जहाँ पर डार्क धब्बा है उसको थोड़ा ब्राइटनेस से इंक्रीज कर देंगे। देखो वो से सिलेक्ट करके इंक्रीज कर देंगे। ओके, फेस पर थोड़ा है तो फेस पर भी मैं थोड़ा कर लेता हूँ, गर्दन पर थोड़ा और फेस पर थोड़ा कर लेता हूँ, सैचुरेशन को थोड़ा माइनस, ब्राइटनेस को इंक्रीज। ओके फ्रेंड, देख सकते हो कि फोटो कितना गोरा आ चुका है गाइस। अब फोटो को शेयर कर देंगे हम लाइटरूम एप्लीकेशन आपके अंदर। ओके, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। लाइटरूम में शेयर कर देंगे, आ चुका है गाइस ऊपर। देखो फोटो इम्पोर्ट हो चुका है गाइस। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए मैं फ्री सेट यूज करता हूँ, इसको कॉपी कर दूंगा, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। फोटो को क्लिक कर देना है, फोटो के ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऊपर 3 डॉट है देख सकते हो गाइस, उसको पेस्ट कर देंगे। ओके, वैसे एक ही क्लिक में फोटो कितना कमाल का बन चुका है गाइस। अब थोड़ा सेटिंग में थोड़ा छेड़छाड़ कर लेंगे, तुम्हारे फोटो के मुताबिक थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। ओके, थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, तुम भी अपना फोटो के मुताबिक कर देना है। लाइटरूम में फोटो कंप्लीट एडिटिंग हो चुकी है, फोटो को जब शेयर कर देंगे स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। ओके, उसके ऊपर अब देख सकते हो मैं कौन सा ब्रश यूज करता हूँ, उसका सेटिंग देख लीजिए, साइज को कंप्लीट कर लो, फोटो को 3 और स्ट्रेंथ को 5 रखना है। उसके बाद फेस पे इसको अप्लाई कर देंगे, धीरे धीरे से चलाना है, जितना आराम से चलाओगे उतना ही आपका हार्ड स्मूथ कर देंगे, उतना हार्ड स्मूथ हो रहा है कम होना चाहिए। पूरे के पूरे फेस में इसको अप्लाई कर देंगे धीरे धीरे से। देखो देखो कितना अप्लाई कर रहा हूँ पूरे फेस में। एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा फाइनल एडिटिंग बाकी है। फोटो को हम सेव कर देंगे, शेयर पर क्लिक करके पी साइड में शेयर कर देंगे फोटो को। फाइनली फोटो पी साइड कर देना है, उसके बाद इफेक्ट के अंदर जाकर कलर्स पर जाना है, हमें डेटा को ऑन कर देना है, कलर्स पर जाना है,
उसको अनफॉलो रिफ्रेश पर क्लिक करना है। इसको लेकर विद्वान को फिर सिंपली इसको छोड़ देना है। गाइस मैसेज आ रहा है, अब जिस भी कलर्स पे रीडिंग करना चाहिए उसके अंदर आपको छोड़ देना है। देखो मुझे ये वाला कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर मैं रख देता हूँ। उसके बाद रन करना है, एडजस्ट पर थोड़ा 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 बैकग्राउंड को एडजस्ट करना है। फाइनली गाइस हमारा फोटो एडिटिंग कम्प्लीट हो चुके हैं। ये मेरा फर्स्ट वॉइस एडिट है तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा, वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम। अगर गाइस मेरा फोटो एडिटिंग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और आपके प्यारे प्यारे हाथों से चैनल पे कमेंट कर देना है। ओके तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।